इसके पहले क्या स्थिति थी बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते थे अपमानित होना पड़ता था, लोग छिपाते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार को जंगल राज के रूप में जाना जाता था। और जब बिहार के लोगों ने मौका दिया और जब 2005 में पूरे बिहार में हम न्याय यात्रा पर निकले और उसमें हमने कहा था कि बिहार के लोग हम लोगों को काम करने का मौका देंगे, पूरे एनडीए को काम करने का मौका देंगे, तो हम कानून का राज कायम करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और जो कानून की क्या स्थिति थी, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो कानून का राज हम लोगों ने कायम किया। आजकल पता नहीं क्यों कहीं से कहीं किसी को किसी चीज की जानकारी नहीं होती है और कुछ ना कुछ बोल देता। मैं तो एक एक चीज आज तो थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, लेकिन एक एक विषय पर जो भी काम किया गया है 2005 के 24 नवंबर से आज तक, हर विषय के बारे में हम पूरी जानकारी एक जगह इकट्ठा करके लिखवा करके हम आप सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे, ताकि लोग जान जाए क्या हुआ। क्या ये बात करते रहते कानून का राज, आपको मालूम है क्या स्थिति थी 2005 में और आज क्या स्थिति है? आप अच्छी तरह जान लीजिए 2018 का राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा जो अपराध आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं हर राज्य के बारे में, हर साल अपराध आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, 16 के बाद बहुत विलंब से 2017 का प्रकाशित हुआ और उसके बाद 2018 का प्रकाशित हुआ। हर साल के प्रकाशन के बाद हम बता देते थे, लेकिन 2018 का जान लीजिए, लोग बोलते रहते हैं, मालूम नहीं होता है। अपराध के बारे में चर्चा बहुत होती है, 2018 के अपराध आंकड़ों के अनुसार जितने दर्ज संज्ञेय अपराध हैं उसमें पूरे देश में औसत राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख यानी 1 लाख की जनसंख्या में जो संज्ञेय अपराध दर्ज होते हैं उसकी संख्या है 1 लाख की आबादी पर 383.5, पूरे देश का औसत है। और उसकी तुलना में 1 लाख की आबादी पर बिहार का है 221.1, यानी अपराध दर के आधार पर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लीजिए तो बिहार का स्थान 23वां स्थान है। आप यह अच्छी तरह ध्यान लीजिए अपराध के मामले में, और हर बार नियंत्रण करते हुए 1 लाख की आबादी पर अपराध का दर, संज्ञेय अपराध का दर घटता जा रहा, लेकिन पता नहीं क्योंकि अखबार में आजकल इतना ना पेज हो गया है और क्षमा करेंगे मीडिया का इतना रूप हो गया है, नया सोशल मीडिया शुरू हो गया है, 2400 घंटा चलता रहता है, तो कौन सी घटना की खबर नहीं आती, उसी को देख देख करके लोगों को लगने लगता है कि अपराध बढ़ गया है। हम आपको कितनी बात पता है, अगर यहां पर आज इतना गर्मी नहीं रहता तो और डिटेल में बताते आपको, लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि आप अगर अपराध के दर की बात करेंगे तो देश में 11वां, डकैती में 16वां, लूट में 17वां, अपहरण में 17वां, बलात्कार में 33वां, यह है बिहार की स्थिति। और पूरा डिटेल हम एक एक साल का सबको हम उपलब्ध करा देंगे, ताकि लोग जान लें। और जान लीजिए पहले FIR दर्ज होने में दिक्कत होती थी, अब FIR दर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहेगा FIR दर्ज कराना और कोई थाना वाला उस पर कोई गलती करता है तो तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं, इससे अच्छी तरह जान लीजिए एक एक चीज। और उसके बाद जो आप एक बात जान लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात है, हमने एक एक चीज का अध्ययन किया है, हम शुरू से इस बात का अध्ययन करते हैं। ये जो हत्या की घटनाएं घटती हैं, ये जो अपराध की घटनाएं घटती हैं खासतौर पर, उसका पूरा का पूरा आकलन किया है,
और आकलन किया, सबसे ज्यादा जो हत्या की घटना होती है उसका कारण क्या है? आपसी विवाद, जमीन से संबंधित विवाद, संपत्ति से संबंधित विवाद, पारिवारिक झगड़ा, इन सब चीजों के चलते जितने भी हो रहे हैं 60% उसी के लिए हो रहा है। और आपको मालूम है कि भूमि विवाद के चलते होता है, इसलिए भूमि विवाद के समाधान के लिए हम लोगों ने क्या नहीं करना शुरू किया, हर प्रकार से आप देख लीजिए जो भी कांड प्रतिवेदित हुए हैं, एक एक चीज का आंकड़ा मेरे पास है। तो 60% है, तो क्या किया भाई हम लोगों ने? अब पारिवारिक बंटवारा में भी पैसा लगता है, 8% इतना कॉस्ट है जमीन का। हम लोगों ने क्या कर दिया पिछले वर्ष से? कर दिया कि अगर कोई पारिवारिक बंटवारा करेगा तो उसको सिर्फ सांकेतिक तौर पर 100 रुपया लगेगा, और अब इसके बाद तो पारिवारिक बंटवारा भी करवाने लगे। पारिवारिक बंटवारा भी नहीं करवाते थे, दादाजी के नाम पर, परदादाजी के नाम पर संपत्ति रहती थी। कोई भाई चला गया बाहर काम कर रहा है, कोई दूसरा यहाँ है, तो भाई दूसरे भाई के नाम पर आपसी बंटवारे में जो जमीन चला गया उसको भी किसी को बेच देता, उसमें भी बात पैदा होता था। न जाने कितने विवाद, उन विवादों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने कर दिया परिसंपत्ति के मूल्य के 8% पर जो होता था निबंधन, उसको घटा करके 100 रुपया कर दिया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, सरकार यह भी विचार कर रही है कि निबंधित सेल डीड के समय विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम होने के बाद ही निबंधन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता अपना ही जमीन विक्रय कर रहा, इसके पश्चात वही व्यक्ति जमीन विक्रय कर पाएंगे जिनके नाम से जमाबंदी एवं दाखिल खारिज होगा। आजकल किस तरह से जमीन के नाम पर हो रहा है विवाद, आप जरा गौर से देखते हैं। मैं तो सब तो कहूंगा, खास करके जो कम उम्र के लोग हैं, राजनीति में आ गए हैं, जरा गहराई से आकलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये काम हम लोग प्रारंभ से करते रहे हैं, जब से मौका मिला है एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करते हैं। सिर्फ अखबार पढ़ करके, मीडिया में कोई खबर देख करके, सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो रहा उसको देख करके नतीजा पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी करने वाला कुछ करता है, क्या कर सकते हैं जिससे आप रोकिएगा। और आज आप जानते हैं क्या स्थिति हो गई है, ये तो हमने जमीन के बारे में आपको कहा, और जो कुछ भी हम लोग पूरा का पूरा करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट सर्वे और सेटलमेंट एरियल सर्वे करवाया, पहली बार बिहार है जिसने नए सिरे से 100 साल से भी पुराना सर्वे सेटलमेंट है, नया सर्वे सेटलमेंट करने के लिए एरियल सर्वे करवाया, ये बिहार में पहली बार लागू हुआ। और एरियल सर्वे करा के उसका जमीन पर वेरिफिकेशन हो रहा, और इसके लिए आपको मालूम है 8000 कर्मचारी और अमीनों की बहाली हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार से नए सिरे से कौन जमीन किसका है ये एक एक बात हो जाए। और उसके बाद कंसोलिडेशन भी कराएंगे, वो बात की चीज है, लेकिन एक एक काम करवा दें। आप जितना भी चाहिए, जितनी तेजी से काम करना चाहते हैं उतनी तेजी से, कोई जरूरी नहीं है कि आप कम कर पाइए, क्योंकि कई तरह की समस्याएं बीच में आती है। इसलिए हमको आज के अवसर पर विशेष तौर पर आपको कहते हैं कि भाई हम लोगों के जितने साथी हैं उनका विश्वास विवाद में और झगड़ा में नहीं है, इसलिए अगर गांव में भी किसी प्रकार का विवाद होता है लोगों को समझाने की कोशिश करिए। और जो बिहार का विकास हुआ, और आपको मालूम है बिहार की आबादी कितनी है, ये जो एक स्क्वायर किलोमीटर एक वर्ग किलोमीटर पर 1100 से भी ज्यादा आबादी है, देश की जो औसत आबादी है उससे भी 3 गुना उससे भी ज्यादा बिहार की आबादी है। वैसी स्थिति में कई प्रकार के विवाद होते हैं। जमीन जो हम लोगों ने विकास करना शुरू किया है, पहले कहां कोई जमीन खरीदता था, क्या स्थिति रहती थी, आज जब एक एक जगह पर काम करना शुरू किया, कितने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, आवागमन में सुविधा,
हर प्रकार से और जिस तरह से काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया, उसी का परिणाम है कि अब जमीन की कीमत बढ़ गई, बढ़ने लगी। और तब जब ये कीमत बढ़ती है तो बहुत लोगों के मन में ये बात आ जाता है कि साहब हम इसमें ऊपर कब्जा कर ले तो हमको बहुत लाभ होगा। इस तरह से कई कारणों से विवाद होता है।